नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो कॉलम में रिंग बांधा जाता है ना, आज उसका तरीका बताने वाला हूँ। आपको ताज्जुब होगा दोस्तों, कुछ मिस्त्री यहाँ पे भी गलती कर देते हैं। तो आज आपको बताने वाला हूँ सही तरीका क्या है, ताकि आप जब पैसे खर्च कर रहे हैं, आपने जब मटेरियल सही लगाया हुआ दोस्तों, तो उसको बनाने का जो तरीका है वो भी हमेशा सही होना चाहिए। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा दोस्तों, कभी भी लैपिंग के लिए दोस्तों 50% से ज़्यादा सरिया को एक जगह नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे चार सरिया है, तो दो सरिया को एक जगह लैपिंग दिया जाएगा और अगले सरिया को दोस्तों इसके लैपिंग खत्म होने के बाद में उसका लैपिंग मतलब ज्वाइंट दिया जाएगा। ऐसे में चारों सरिया एक जगह ज्वाइंट देते हैं तो वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों 100% आप रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। इसी तरीके से दोस्तों, ये जो रिंग बांधने का जो तरीका है ना, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है वो ये हुक है, ठीक है। आपको मैं बता रहा हूँ, ये रिंग में जो है हुक है, ये ज्वाइंट एक तरीके समझ सकते हैं, ठीक है। ये जो ज्वाइंट है ना, ये हर एक रिंग में होता है, एक जगह पे ये ज्वाइंट होता है। पहली चीज़ दोस्तों, ये जो है ना, ये 90 डिग्री पे नहीं होना चाहिए, ये 135 डिग्री पे एक्चुअल में होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, रेडीमेड भी अगर लाएंगे तो नॉर्मली अभी जो मार्केट में इसी तरीके के रिंग जो है वो देखने को मिलते हैं। खैर, इसको बांधने का तरीका इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, ये मान लीजिए ये जो हुक है ना, एक यहाँ पर है, तो ये इसके बिल्कुल सीध में ना तो ऊपर में होना चाहिए और ना ही तो नीचे में होना चाहिए, ठीक है। ताकि जब कॉलम दोस्तों इधर इधर या फिर इधर इधर दोस्तों मूव करें, तो फिर दोस्तों एक तरफ रहेगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है। अगर कॉलम को उधर झुकाया जाए तो ये क्या करेगा दोस्तों, यहाँ से खुलने का चांस रहता है। एक टेक्निकल चीज़ आप समझ लीजिए, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं कि हम दोस्तों इसको एक यहाँ पर है तो अगले वाले को उल्टा साइड में बांधते हैं वहाँ पर, ठीक है। फिर दोस्तों कहाँ बांधना चाहिए, इसको यहाँ पे बांधा गया है, काम चलाऊँ, ठीक है। लेकिन दोस्तों वहाँ पे बांधना चाहिए था। फिर चौथे को दोस्तों यहाँ पे बांधना चाहिए था। इस तरीके से घुमा घुमा करके बांधेंगे दोस्तों, एक यहाँ पे, ठीक है, तो दूसरा यहाँ पे, फिर यहाँ पे, चौथा वहाँ पे, इस तरीके से राउंड कर करके बांधेंगे दोस्तों। तो किधर भी दोस्तों जो है वो कॉलम मूव करेगा, ये हुक कभी भी किसी भी दशा में दोस्तों खुलने वाला नहीं है। तो ये चीज़ें आपको जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है और बिल्डिंग अपने लंबे समय के लिए दोस्तों तैयार रहता है। ये दोस्तों चीज़ें जो है भूकंप में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है, तो इस चीज़ को आपको जो है वो ध्यान देना चाहिए।